सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मुझे मालूम है यार, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके जान खाया, भाई चैप्टर का स्पॉइलर आ गया तो मुझे स्पॉइलर दे दियो कब आएगा वगैरह वगैरह। अब यार देखो, कल शाम को स्पॉइलर नहीं आया, आज सुबह 4 बजे स्पॉइलर आया है। और मैं जानते हो, सुबह 5:30 बजे के आसपास मैं उठा और उसको खोल करके देखा। और यार कुछ भी बोलो, ये चैप्टर का स्पॉइलर यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मैंने जो जो चीज़ें सोची थी उस हिसाब से ही हुआ, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं चैप्टर को रीड करने के लिए यार पिछले चैप्टर से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार जैसे कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम बात करेंगे वन पीस के मांगा चैप्टर 1040 के स्पॉइलर के बारे में। और यहाँ पर मैं अपने सारे थॉट्स बताऊंगा, मेरा क्या मानना है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो बिंदास होकर के वीडियो को एंजॉय करो। सबसे पहले हमें चैप्टर का टाइटल रिवील किया गया, जहाँ पर हमें बताया जाता है वर्ड्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द न्यू जनरेशन। अब ये टाइटल क्यों है? जब मैंने इसका स्पॉइलर रीड किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस लाइन को लेकर के किया गया है या फिर इस लाइन को लेकर के किया गया है। बट जब तक चैप्टर नहीं आ जाता, मैं ठीक से कंफर्म होकर के नहीं बता सकता कि ये टाइटल इन्होंने क्यों दिया है। नेक्स्ट हम लोग जरा कवर पेज की तरफ चलते हैं। कवर पेज में हमें मालूम पड़ता है नीजी एंड योनजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वो बिग मॉम के हाथों पिट जाते हैं, वो भी गंदी तरह। अब जैसा कि तुम सब जानते हो, कवर स्टोरी चल रही है जर्मा के ऊपर, जहां पर वो लोग होल केक आइलैंड से भाग रहे हैं। अब यहां पर तुम लोग को याद ही होगा पिछले चैप्टर के कवर पेज में हमें बताया गया था कि योनजी और नीजी को बुक के अंदर कैद कर दिया गया। अब वो किस तरह से वो लोग कैद हुआ है, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर के कवर पेज में बताई जाती है। एक्चुअल में देखो क्या हुआ होगा, स्ट्रॉ हैट पायरेट तो वहां से निकल गए, बट जर्मा वाले तो वहां रहते ही है। अब हो सकता है लिलिन अपना सारा गुस्सा इन लोग के ऊपर उतार दी और इन लोग में से किसी ना किसी को पूरी गंदी तरह धो दी और योनजी और निजी को पकड़ के बुक के अंदर डाल दी। और शायद यही वो वजह जिस वजह से जर्मा के बाकी के 3 नमूने यार ये लोग भाग रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो भी कवर स्टोरी में चल रही है, ये किसी न किसी तरह से इशारा कर रही है वानो आर्क के बाद होने वाले आर्क की तरफ। अब उस पे मैं बाद में वीडियो जब बनाऊंगा, एक्चुअल में वो वीडियो आज ही आने वाला था, आफ्टर वानो आर्क वाला थ्योरी, उसका सब कुछ रेडी है, बस वॉइस रिकॉर्ड करना बाकी रह गया था और एडिट करके अपलोड करना था। बट क्या करें यार, चैप्टर का स्पॉइलर आ गया और ये स्पॉइलर ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर के स्पॉइलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है भाई लॉ और किड ने जो हमला किया था लेलिन के ऊपर, अब भी लेलिन खड़ी हो जाती है। अब भी उस अटैक को झेलने के बाद भी उसके पास दमखम है, वो फाइट कर सकती है। ये दिखाता है एक योंको का पावर, ये दिखाता है एक योंको का ड्यूरेबिलिटी। और तुम सब जानते हो लिलिन का बॉडी ऐसा है ना, काइडो से भी ज्यादा खतरनाक मेरे को कभी कभी लगता है। अब देखो लिलिन क्या करती है, वहां पर अगल बगल जितने भी काइडो के चेले चपाटे लोग होते हैं, मतलब उसके जो सोल्जर्स होते हैं, उन लोग से लाइफ स्पैम ले करके अपने बॉडी को हील करके दोबारा फाइट करने के लिए ट्राई करती है। बट लॉ उसे रोक देता है, और उसे रोकना जरूरी था। अगर उसे नहीं रोकते, तुम जानते हो भाई, फिर तो उनको भगवान ही बचा सकता था। बिकॉज लिलिन का डेविल फ्रूट थोड़ा अजीब टाइप से काम करता है, मतलब मैं तुमको बताता हूँ। देखो लिलिन के साथ सीन क्या, पहली बात तो उसको डैमेज करना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। चलो मान लिया तुमने डैमेज कर लिया, वो क्या करेगी, सोल खाएगी, दोबारा से ठीक हो जाएगी, उसका पावर रिकवर हो जाता है, फिर से तुमको धोना शुरू। और तुम क्या करोगे, लॉ का क्या है भाई, वो स्टैमिना बहुत ज्यादा खाता है, किड भी अब बहुत ज्यादा मार खा के थक चुका है, ये लोगों के पास चांस ही नहीं है दोबारा जाकर के लिलिन के साथ लड़ने का। भाई वो लिलिन यार स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है वन पीस के वर्ल्ड की, वो फाड़ देगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे काइडो का बॉडी क्या है भाई, उसका बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल वाला बॉडी है, उसको डैमेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट ओडेन ने करके दिखाया है, उसको ऐसा स्कार दिया है ना जो परमानेंट है। बट लिलिन का बॉडी के साथ उल्टा सीन है, जैसे मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, उसको चार्ज में बैठाओ, दोबारा से चार्ज हो गया, फिर तुम यूज करो। अब लिलिन के साथ किया, लिलिन भी वही करती है, बॉडी पूरा डैमेज हो गया, मरने के कगार पे है, क्या करेगी, सोल खाएगी, दोबारा ठीक हो जाएगी, फिर से तुमको धोना शुरू। और शायद यही वो रीजन है जिस वजह से रॉजर ने भी इसके खिलाफ फाइट करने से अवॉइड किया था। नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें मालूम पड़ता है किड कीप शूटिंग बिग मॉम अंटिल द फ्लोर कोलैप्स, बिग मॉम फॉल्स डाउन थ्रू द आर्मरी टेकिंग काजेबू एंड द ऑल बॉम्ब्स
अलोंग विथ हर। अब देखो, हर किसी ने सोचा था यामाटो रोकेगी बॉम्ब्स को, वो फ्लेम योकाई को यार हरा नहीं पा रही थी यामाटो, तुमको मालूम है, बट यहाँ पर उस चीज का इंतजाम भी कर दिया गया लॉ और किड के द्वारा, बिकॉज किड वहां पर अटैक करना जारी रखता है, जिस वजह से क्या हुआ, लिलिन का बॉडी डैमेज तो खाता ही खाता है, साथ ही साथ फ्लोर में भी छेद हो जाता है और वो सीधे जा घुसते वहां पर जहां पर वो बॉम्ब्स वगैरह आर्मरी वगैरह रखा हुआ है, और वो साथ में वो फ्लेम योकाई को भी लेकर के चल जाती है। बाकी तो समझदार हो, आगे क्या होने वाला है भाई, वो फटने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब लिलिन ओनिगासिमा से नीचे गिर रही होती है वो बॉम्ब्स को लेकर के, उस वक्त वो थोड़ा रॉजर के बारे में याद करती है। वो कहती है, Why didn't you just say it before you die, Roger? What exactly is One Piece and where is it? अब यार ये सब चीजों का बारे में तो हमें मालूम है, बट लिलिन को ये सारी चीजों के बारे में तो मालूम नहीं है ना कि वन पीस कहाँ है, क्या है वन पीस, क्या है ये बात हमें नहीं मालूम है, बट वन पीस कहाँ पर है ये हमें इतना मालूम है कि वो लाफ टेल में है। बट फिर भी लिलिन का रॉजर को याद करना है, ये थोड़ा मेरे लिए हैरानी भरा था। इसके बाद भाई और एक चीज यार लिलिन के तरफ से धमकी सुनने को मिलता है, जब लिलिन ओनिगासिमा से उस छेद के थ्रू जो गिर रही होती है, वो लॉ और किड को धमकी भी दे करके जाती है, वो कह के जाती है सोचना मत कि वो इतनी जल्दी मर जाएगी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, उसका यहाँ से थ्रोन नहीं जाएगा भाई। लिलिन भले ही तुम उसको जैसे तैसे करके चलो नीचे फेंकने में कामयाब हो गए, बट तुमने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं हराया है। अगर तुमने मेरा कल वाला वीडियो देखा है, वहां पर मैंने कहा था जैसे करके भी अगर तुम लिलिन को चलो डिफीट करने में कामयाब हो भी जाते हो, पर उसके सर से योंगो का थ्रोन छीनना एक तरह से अनफेयर होगा, बिकॉज उसको तुमने जैसे तैसे करके चलो यार तुमने उसको नीचे फेंक दिया या फिर हरा भी दिया, जो भी कर दिया, बट यहाँ पर हमें एक बात तो मालूम पड़ जाता है, लिलिन दोबारा फाइट करने के हालत में थी और किड और लॉ वो दोनों फाइट करने के हालत में ही नहीं है। बट फिर भी जो कुछ भी हो, मुझे मालूम है लिलिन इस ब्लास्ट से बच जाएगी और हमें फ्यूचर में लिलिन जरूर दिखने वाली है। नेक्स्ट हमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन दिखने को मिलता है वो होल के थ्रू, प्लस यहाँ पर जो नरेटर है उसने प्रोक्लेम्स किया है कि लॉ और किड विनर है इस लड़ाई के, जो कि ऑब्वियसली बातें होनी ही चाहिए, बिकॉज उन्होंने लिलिन को जैसे तैसे करके नीचे फेंकने में कामयाब हो गए, अगर वो ऊपर रहती फिर तो इन्हें धो डालती। लास्ट लाइन जो मुझे ज्यादा कुछ हैरान नहीं किया, बिकॉज मेरा प्रेडिक्शन और एक बार सही हो गया, यहाँ पर मोमोनोसुके बताता है यामाटो को कि जुनेसा सामने ही है। अब यार इस चीज का प्रेडिक्शन हर किसी ने कर लिया था कि जुनेसा ने ही वॉइस ऑफ ऑल्थिंग का यूज करके मोमोनोसुके के साथ बात करने का ट्राई किया, और यही चीज हमें इस चैप्टर के एंड में बताया जाता है। लास्ट में यामाटो कहती है सरप्राइज के साथ, और वो मोमोनोसुके से पूछती भी है, इट्स द एलिफेंट दैट अपीयर्स इन ओडेन्स जनरल। एक बात हमें साफ साफ मालूम पड़ गया, ओडेन ने अपने जनरल में बहुत सारी चीजें लिख करके रिवील करके रखी हुई हैं। उस जनरल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस चीज को जानने के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओडा जिस तरह से यार थोड़ा थोड़ा करके रिवील कर रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब मजे ले रहा है हमारी, हम लोग यार रीडर एक्साइटेड है, क्या लिखा हुआ है हमें बताओ, नहीं बस खून जलाना है ओडा को। खैर नेक्स्ट मोमोनोसुके कहता है, यस इट्स जॉय बॉयज नाकामा हुज कमिटेड ए क्राइम 800 इयर्स अगो। मतलब तुम कुछ समझ रहे हो, जॉय बॉय पहले कोई इंसान तो था, इतना तो हमें मालूम पड़ गया, मतलब कोई ऐसा बंदा था, ह्यूमन था, जायंट था, कुछ भी था, पर था। पर इस पर हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना रखे और तुम लोग भी ज्यादा बोर ना हो। ये सारी चीजें थी आज के स्पॉइलर में, बट ये स्पॉइलर जान के तुम्हारा क्या मानना है, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिकॉज मैं कमेंट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया और तुम लोग ऐसे ही वन पीस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, वैसे ये कंटेंट तो था नहीं, मैंने स्पॉइलर से रिलेटेड बातें की, बट फिर भी जो भी है तुम लोग वन पीस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करो जिससे मुझे यार मोटिवेशन मिलता रहे और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वन पीस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इतना कर ही दिया तो बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम लोग वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।